जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आलक्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों का केवल एक ही सवाल है कि सर हमारा पीटी एंड पीएचडी का एडमिट कार्ड कब आएगा, लेकिन जो है आप लोगों का पीटी एंड पीएचडी का एडमिट कार्ड है वो आने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने जो है कल जो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ को जो है हेल्प सेंटर पर कॉल किया हुआ है और मैंने जो है बहुत परेशान वहाँ पर हुआ हूँ। सुबह से कॉल लगा रहा था मैं जो है, लेकिन डेली के डेली जो है व्यस्त बता रहा था, जो है हमेशा बिजी बता रहा था है, तो जो है बहुत ही मुश्किल से जो है कॉल लग पाया वहाँ पर है। और कॉल लगने के बाद भी जो है सीआरपीएफ अधिकारी जो है था वो काफ़ी गुस्से में था। मैंने जो है दोबारा कॉल किया हुआ था जिसके कारण जो है वह मुझ पर टूट पड़ा। क्या उन्होंने कुछ कहा हुआ आया है और कब तक आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। बट इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि मैंने जो इतनी मेहनत जो वहाँ पर कॉल लगाया हुआ आया है और वहाँ पर उनकी जो है हमको डांट सुननी पड़ी है। ठीक है, ये सब मैं जो कर रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक कर देना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और रहेगा, यदि चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो हम लोग सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा हुआ है कॉल रिकॉर्डिंग में है। मैं वहां पर अपना जो है मोबाइल नंबर जो बोला हुआ मैं उसको जो है आवाज़ को दबा दूंगा, उसके बाद जो है सारा रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुना देता हूँ। हेलो, जय हिंद सर। हाँ जी, जय हिंद सर। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का एडमिट कार्ड कब आएगा? पैरामेडिकल अपना मोबाइल नंबर बताइए। 7318 73 78। नाम बताइए अपना। आकाश मौर्य। आकाश मौर्य। आकाश। हाँ, आकाश मौर्य। कल भी किया था आपने फोन? हाँ सर, पहले भी फोन किया है। हाँ सर, इसलिए बार बार फोन कर रहे हो? क्या सर, बार बार किस लिए कॉल कर रहे हैं आप? सर वही मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए था। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो है एडमिट कार्ड जो है वो लेट आएगा बहुत है। हाँ, लेट ही आएगा। जब आएगा तो आपको बता दिया, ऑफलाइन आएगा, आपके घर पे आएगा। अच्छा सर, तब कब तक आ जाएगा? बार बार किस लिए परेशान कर रहे हो आप, ये समझ नहीं आ रही बात। अच्छा चलिए ठीक है, समझ नहीं है। जब बता रहे हैं ऑफलाइन आएगा तो ऑफलाइन आप वेट करो, घर में आएगा, जब भी आएगा तो मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, तब तक कोई दूसरा काम धंधा कर लो। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है, ओके जी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों ने जो है पूरा का पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुना हुआ आई है और वहाँ पर आप लोगों को कुछ समझ में, कुछ लोगों को आया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, जो मेरी जो है रेगुलर वीडियो देखते रहते हैं उनको साथ समझ में आ गया होगा, लेकिन जो लोग जो है कभी कभी वीडियो को देखते हैं उनको साथ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूरा आप लोगों को कम्प्लीटली समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने एक बार कॉल लगाया हुआ था पहले से ही, तो उन्होंने जो है बताया हुआ था कि लास्ट नवंबर में आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, जो कि आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग में सुना होगा कि मैंने जो है पहले भी एक बार कॉल किया हुआ था। ठीक है, तो उनका कहना था क्यों बार बार कॉल लगा रहे, क्योंकि आप लोगों ने जो है मैंने आप लोगों को जो है इनका जो है नंबर दिया हुआ था, तो आप लोगों ने जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि उनसे कॉल करके पूछ ले रहे थे। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया कि सुबह से ही व्यस्त बता रहे थे, इसका मतलब जो है इनके पास बराबर जो है डेली का डेली जो है स्टूडेंट का फ़ोन आ रहा है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, इसके अकॉर्डिंग जो है कॉल उनके पास आ रही थी, तो वो लोग भी परेशान हो गए थे। और जायज़ भी है कि आप लोग जो है इतना कॉल करते हैं कि भाई कोई भी परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कारण जो है ये कुछ जो है जिसके कारण से जो क्रोधित हो गए थे, तो फिलहाल हम उसको टॉपिक छोड़ते हैं, बात करते हैं आप लोग एडमिट कार्ड की बात पर जो है। तो एडमिट कार्ड जो है आप लोगों का मैंने बताया कि लास्ट नवंबर में, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने पिछली बार जो बताया हुआ था उससे काफ़ी लेट आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, यानी कि लास्ट नवंबर में आप लोगों का एडमिट आना था। ठीक है, और उन्होंने बताया कि अभी जो है इससे लेट हो सकता है। ठीक है, यानी कि इससे लेट क्या होगा कि दिसंबर में आएगा, यही बात आप लोगों की एक टॉपिक आती है। तो यहाँ पर अभी कुछ स्टूडेंट कहेंगे नहीं आप गलत इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, वो यूट्यूबर ये बताता है, वो यूट्यूबर ये बताता है, हमारे वो गुरुजी ये बताते हैं, मैंने कॉल किया था उन्होंने ये बता रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई अभी तक एग्जैक्ट डेट नहीं आ रहे हैं। यदि अगर एडमिट कार्ड आने अगर होते तो ठीक है, तो यहाँ पर 20 दिन हो जाता है। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 20 दिन बचे हैं आप लोगों के एडमिट कार्ड आने में, यदि लास्ट नवंबर आता तो।
ठीक है, लेकिन अभी लास्ट नवंबर आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, इसके कारण मैंने आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई हुई, आप लोग इससे कन्फर्म भी हो रहे होंगे, जो लोग समझदार हैं वो समझ रहे होंगे है कि आप लोगों का जो है नवंबर में एडमिट कार्ड नहीं आकर दिसंबर में ही एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन कब आएगा इसका एग्जैक्ट डेट ना वो CRPF वाले बता रहे हैं कोई है, ना ही अभी इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यदि कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ही इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, मैं CRPF की जो है काफ़ी नोट्स बुक जो है आप लोगों के लिए जो है अपने टेलीग्राम पर छोड़ चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वो वाले टेलीग्राम जो है हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो है काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ, और वहाँ पर काफ़ी नोट्स भी मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा देता हूँ, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो